सॉसों के साथ जो है ये चाट बनाई जाती है और 80 रुपए की जो है ये प्लेट होती है। क्या बात है भाई, मौसम का तो मजा इसी में है, कचौरी और समोसे पकौड़ों में। कैसी होती हैं? और समोसे की चाट जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो है तवक्कल कचौरी पॉइंट, और तवक्कल कचौरी पॉइंट पे हम समोसों की चाट और कचौरियों के बारे में जो है इनसे मालूमात लेते हैं। अलहसन चौक पे जो है ये कचौरी पॉइंट है तवक्कल, और नाजमाबाद का एरिया है, इसके बारे में सारी मालूमात लेके हम आपको जो है बताते हैं कि ये कितने मसालों में जो है ये तरकारी और इसके मसालाजात जो है ये कचौरी के बनाते हैं। तो आज मेरे साथ और आपके साथ हम शेयर भी करते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं और आपको सारी डिटेल भी देते हैं, क्योंकि कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए ये लवाजमात तो बहुत ज़रूरी हैं कराची वालों के लिए खाना। और अच्छे कहाँ और किस पॉइंट पे मिलते हैं वो भी दिखाना हमें ज़रूरी है, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आसिम नाम है। आसिम, आसिम साहब कचौरी अल्तवक्कल कचौरी पॉइंट, और इसके साथ और क्या है, यानी कि समोसे चाट? जी, समोसे की चाट होती है, आलू के समोसे की और कचौरी होती है। अच्छा, तो ये आप कब से काम कर रहे हैं ये कचौरियाँ, और यहाँ पे कब से हैं? यहाँ पर मुझे कम लगभग जो है 10 साल होने को। आप इसी जगह पे? इसी जगह पे। तो ये लोकेशन कौन सी है? ये अलहसन चौक नाजामाबाद नंबर 1। अच्छा, अलहसन नियरेस्ट चावला मार्केट। चावला मार्केट, सही है। तो अभी इसके अलावा भी आप लोग कुछ और बनाते हैं या सिर्फ ये दो ही आइटम है आपके पास? माशाल्लाह हमें इसी से ही नहीं फुर्सत मिलती है, कचौरी समोसे से, तो दूसरी तरफ मतलब जाता ही नहीं है कि वो काम बढ़ाएं। माशाल्लाह हमारा इसी में ही अल्लाह ताला जो है वो फारिग नहीं रहता। सही कह रहे हैं, अल्लाह ताला और बरकत दे आपको। और दूसरा ये है कि अगर बारिश वगैरह होती है तो पकौड़े का आइटम बढ़ जाते हैं, तो पकौड़े वगैरह भी बनाते हैं या नहीं? नहीं, उसमें पकौड़े का नहीं, हमारा कचौरी का ही आइटम, कचौरियाँ भी मेन होता है, तो हमारा उससे ही फुर्सत भी मिलती है। अगर कोई ऐसे बारिश का मौसम बन जाए तो उसमें हमें कचौरी से भी फुर्सत नहीं मिलती। सही है। तो कचौरियों में आप लोग क्या क्या होते हैं आइटम आप देते हो? कचौरी में हमारे जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है चने की तरकारी। चने की तरकारी जैसे पूरियों में होती है? पूरी में तो खैर दोनों ही होती है, इसमें भी हमारे ये भी दोनों होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है चने की तरकारी। चने की तरकारी, तो वो लोग बाग सिर्फ जो आते हैं वो इस पर जायके के लिए आते हैं। जायके के लिए, सही बात है, जायका होगा जो जायका होता है तो भाई वहीं पर ही जाता है। हाँ, तो उसमें कचौरी है हमारी, कचौरी में हमारी ये है कि उसमें हमारी चने की दाल होती है और मसाले ऐड होते हैं उसके अंदर। ये आलू वाले समोसे बना रहे हैं? जी, आलू वाले समोसों की जो है फिलिंग कर रहे हैं, इसमें क्या आलू और आलू मसाले होते हैं? आलू के जो है मसाले वगैरह, आलू होता है भुर्ता बनाते हैं उसके मसाले डालते हैं जनाब। अच्छा अच्छा, ये मैदे की ये पट्टी होती है, ये पट्टी दिखाई, पट्टी भी हम खुद बनाते हैं। ये पट्टी भी खुद बनाती है, बनी बनाई होती है? ये खुद बनाते हैं, खुद आटा गूंथते हैं, मैदा गूंथते हैं। अच्छा अच्छा, ये जबरदस्त भाई, ये फिलिंग होती है, इसके बाद ये फ्राई होते हैं। अच्छा, फ्राई होने के बाद ये रखे हुए, तो इसकी क्या वो चाट भी बनाते हैं इसकी? जी, है ना, समोसा चाट बनती है, तोड़ के इसको, इसके ऊपर तरकारी, चटनी, रायता, चावल सब डलता है, वो सब डाल के जो है वो दी जाती है, प्लेट बना दी जाती है, वो बंदे खा रहे हैं। वैसे भी मौसम अच्छा है कराची का, तो ये है कि बारिश के मौसम में ज़्यादा जो है ये चीज़ें खाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आपकी तो जान होती है। हाँ, ये बात हुई ना, तो आप बनाते हैं ये समोसे? समोसे का डिपार्ट मेरे पास है, बाकी कचौरी का। अच्छा, तो ये सारे लवाजमात भी आप ही तैयार करते हैं, मसाले वगैरह ये सब? भाई बड़े भाई बना के देते हैं मसाला। अच्छा। ये चीज़ बनाई और तलाई हमारा काम है, ये आपका काम है, तैयार करके रख रहे हैं समोसे जो है आलू के समोसे, और इसमें जो है ये चाट बना के भी जो है प्लेट बनाई जाती है, दो समोसों की चाट बनाई जाती है। अच्छा, दो समोसों की होती है? दो समोसों की, एक समोसे की, जैसे कस्टमर बोलता है वैसे बना, वैसे बना देते हैं। आप अपना तारुफ तो करवाएं यार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिजवान अली है। अच्छा, ये हमारी फील्ड है, खानदानी फील्ड है। अच्छा, खानदानी, आपका अपना काम है? जी, ये मेरे कजन का है। अच्छा, और हमारा असल में पीछे से भी यही काम ही है, सब यही काम करते हैं। अच्छा, यही काम सारे आप करते हैं? मैं तो फिलहाल अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, लेकिन काम हमारा यही है, यही काम का है। अच्छा, किचन का? जी, हाँ। अच्छा, यही काम है, सही है। कल कचौरी पॉइंट है भाई ये,
ये तवक्कल कचौरी पॉइंट। और मौसम भी कराची का बहुत ज़बरदस्त है आजकल, जो है बारिश का बादल, और इसकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा जो है सेल होने वाले आइटम वो हैं समोसा, चाट और कचौरी। अच्छा, ये जो है कचौरियों के लिए जो है पेड़े बनाए जा रहे हैं जी। अच्छा, ये पेड़े बनाए जा रहे हैं कचौरियों के लिए भाई। ये आपको अंदाजा हो जाता है ये कचौरी का साइज? ये ये तो हाथ में पता लग गया, पता चल जाता आपके? वाह यार, बड़े एक्सपर्ट हैं। इसका मतलब है आप तो यार कि कचौरी का जो है साइज का पता चल जाता है, कोई बड़ी छोटी नहीं होता, नहीं, नहीं, कम ज्यादा एक ही साइज जाता है सारा। तुम दे तो ये सारे सामान वगैरह जितने लवाजमात हैं, अचार और तरकारी वगैरह। क्या नाम है आपका? फारूक। अचार है, रायता है, आलू की तरकारी, चने की तरकारी। अच्छा, इसके साथ देते हो ये आप जी। तो कितने थाल में, कितने यानी जितने भी चाहिए हो उसके थाली ये बना के आप देते हो? चने की तरकारी और ये आलू की। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं सर? तवक्कल कचौरी पॉइंट पे जो आप खा रहे हैं, ये कैसी होती हैं इनकी? बेहतरीन होती हैं। कब से खा रहे हैं? तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए से जॉब करते हैं तो यहाँ आके खाते हैं। यहाँ आके खाते हैं। जरा एक बाइट तो लेके खा के दिखाइए जरा। बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन VIP कसम का है। सही है, ज़बरदस्त। तो इनके समोसे चाट खाइए। और समोसे चाट भी खाइए, बेहतरीन है वो। अच्छा, तो रेट वगैरह सही है? हाँ, बिल्कुल बेहतरीन है, मुनासिब है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद हबीब। हबीब, हबीब साहब, आप ये कचौरियाँ बनाते हैं? तो कचौरियाँ बनाते हैं तो कैसा, यानी कि जलती वलती भी है, जल भी जाती हैं कभी या नहीं? कब से बना रहे हैं? 60 साल हो गए। 7 साल से बना रहे हैं? 60 साल सिटी से। 60 साल से सिर्फ कचौरियाँ बनाते हैं? अच्छा, माशाल्लाह से भाई, ज़बरदस्त। तो आप ये खुद बनाते हैं सारा? हाँ। इसमें दाल वगैरह, ये फूलती कैसे हैं यार? ये इतनी फूल रही हैं आपके यहाँ की कचौरी? ये टेक्निक होती है, मतलब क्या इसमें डालते हैं ऐसी चीज़ें? हाथ का कमाल होता है। हाथ का कमाल, मतलब जाहिर बात है एक्सपीरियंस है आपका तो 60 साल हो चुके हैं, तो हाथ का कमाल चलेगा भाई, ज़बरदस्त। और इसके अलावा ये तरकारी वगैरह भी आप ही बनाते हैं सारी? तो रोज़ाना होते हैं आप 7 के 7 दिन? 365 दिन होते हैं। 365 दिन यहीं पर होते हैं आप रोज़ाना? ठीक है, अगर किसी को डिलीवरी करवाना हो वो भी हो जाएगा? सब हो जाता है। हाँ भाई, यहाँ कचौरी लेने आए हुए थे आप लोग हैं? कैसी होती है इनकी कचौरियाँ? अच्छा, और मौसम भी अच्छा होता है तो फिर आप लोग आते हो लेने? हाँ। हैं, आप भी खाते हो? कितनी कचौरियाँ ली हैं अभी आप? चार ली हैं, यानी कि एक एक कचौरी बस? इतनी कम? हाँ यार, इनकी कचौरियाँ कैसी होती हैं? और समोसे की चाट? तो कब से खा रहे हैं आप? मैं काफी टाइम से खा रहा हूँ। कहीं दूर से आते हैं यहीं रहते हैं आप? नाजामाबाद। रेट क्वालिटी वगैरह सेट है? समोसे फ्राई किए जा रहे हैं, ये समोसे फ्राई हो रहे हैं।
आलू वाले जो चाट की एक जो है प्लेट बना के जो है आलू के समोसों की बनाई जाती है, 80 रुपए की ये प्लेट होती है। ये वाह क्या बात है भाई, मौसम बहुत ज़बरदस्त है और आलू के समोसों की चाट हो, प्लेट बनी हुई जो है और कचौरियाँ हो, दाल की कचौरियाँ और उसके साथ चने और आलू की तरकारी, रायता और अचार हो, क्या बात है भाई। मौसम का तो मज़ा इसी में है, कचौरी और समोसे पकौड़ों में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कचौरियाँ लेने आए, कहाँ से आए? मैं गोलीबार नंबर एक पे आया हूँ। तो कैसी होती हैं इनकी कचौरियाँ? बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत इनकी जो है स्पेशलिटी है, इनकी जो है तरकारी बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, वो भी मैं भी यही देख रहा हूँ, तरकारी बहुत ज़बरदस्त है, जैसे हलवा पूरी वालों की रखी होती है ऐसे ही है। तो कब से खा रहे हैं आप इनके यहाँ की? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से, मतलब ऑयल वगैरह सेट होता है? बिल्कुल सेट होता है। और प्राइस भी? प्राइस भी चले ज़बरदस्त। शुक्रिया सर। ये देखें भाई, समोसा चाट देख लें आप, दो समोसों के साथ जो है ये चाट बनाई जाती है और 80 रुपए की जो है ये प्लेट होती है। ये कैसी होती है ये समोसा चाट बना रहे थे आप अपनी खुद? अच्छी होती है। अच्छा, और क्या ये कचौरी में ही खाई है? समोसा चाट क्या पसंद है? समोसा चाट पसंद है। पैसे वैसे सही होते हैं और क्वालिटी भी सही होती है? एक ज़रा बाइट तो लेके चेक करवाएं ना यार, VIP है या? ये क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये कितने की है कचौरी? ये 25 रुपए की कचौरी एक है और सबसे रिजनेबल रेट है हमारे, और 30 रुपए का समोसा है। 30 रुपए इस वक्त अगर आप कहीं भी जाएं तो 40-50 से कम का आपको का ही होता है, सही कहीं नहीं मिलेगा। हमारे समोसे की चाट बनाते हैं हम, उसमें तो हम 20 रुपये ऊपर लेते हैं, वो तरकारी के, अचार के, रायते के, तो जो हमारी एक्स्ट्रा वो उसमें डालते हैं, चाट में डाल के, सही, तो 20 रुपये हम लेते हैं। तो वो कितने की हो जाती है चाट प्लेट जो होती है? वो 80 रुपये की हो जाती है। 80 रुपये की समोसे की चाट? दो समोसे होते हैं? दो समोसे। इतनी सस्ती, मतलब समोसे सिर्फ खाली 80 रुपए के हो जाते हैं, मिलते हैं अगर जो आप हम जाते जी। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास 30 रुपए का समोसा है, वैसे अगर आप लेंगे खाली तो चाट के साथ वो दो समोसों की प्लेट जो है वो 80 रुपए की। तो आप लोग यहाँ पे टाइमिंग क्या है इधर? सुबह 9 बजे से रात 8:30 बजे तक की टाइमिंग है। अच्छा, सुबह 9 बजे। और डिलीवरी वगैरह का है? होम डिलीवरी? होम डिलीवरी का अभी नहीं रखा है, हमें यहीं से फुर्सत ही मिलती है। हाँ, तो होम डिलीवरी का अभी नहीं है, हमारे लोग आते हैं हमसे ऑर्डर बनवाते हैं, हम यहीं से यहीं उनको ले जाते हैं, वो ले जाते हैं। किस नाम से आपने? ये तवक्कल कचौरी के नाम से। तवक्कल कचौरी, ठीक। कितनी कचौरियाँ बना रही है ऑर्डर? अभी तो 12 दे रहा हूँ। 12 कचौरियाँ बनाएंगे ये? एक दर्जन कचौरी का ऑर्डर है ये। और ये देखें इसमें फिल हुई है, कौन सी दाल होती है इसमें? चने की दाल होती है। चने की दाल जो है इसमें फिल की हुई, पिसी हुई। 12 मसाले लगे हुए हैं भाई, और तरकारी में जो है, चनों में जो है 24 मसाले लगे हुए हैं। अच्छा, ये मैदे में बनाते हैं? हाँ, ये मैदे का होता है। ये पूरी आटे की होती है, कचौरी मैदे की होती है। अच्छा, पूरी आटे की होती है और ये जो है मैदे की होती है। समोसा भी मैदे का होता है? समोसा भी मैदे का होता है। अच्छा जी, मौसम अच्छा हो कराची का और कचौरियाँ और समोसे चाट ना हो ये तो नामुमकिन है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पे अलहसन चौक नाजमाबाद में जो है कचौरियाँ और समोसों के साथ जो है चाट जो है एंजॉय करने के लिए अल्तवक्कल कचौरी पॉइंट पे आते हैं। इसके साथ ही जो है मुझे तवक्कल कचौरी पॉइंट से जो है इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।